नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, प्रेम की डोर इतनी बारीक है लेकिन इतनी मजबूत है कि वो ईश्वर को भी बांध सकती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से ना HSSC हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है। हमने पिछले एग्ज़ामों से क्वेश्चन भी उठाए हुए हैं कि कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे है ना, तकनीकी शोध संस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये पेपर में आता है कि पशु अनुसंधानालय केंद्र कहाँ पर है, असा वाला कहाँ पर रहेगा, कब बना था, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। और एक है ना, जैसे एक हमारा स्टूडेंट है, उसने ना बच्चों एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी ट्रिक्स एरिना के नाम से चैनल रहेगा। ये बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये ना मतलब आपको बच्चों इंग्लिश में कोई जीके आपको इंग्लिश में करनी है ना, तो इंग्लिश में भी जीके करवा रहा है। तो इस चैनल को आप है ना ज़रूर देखना बच्चों, बहुत अच्छा कंटेंट है दे रहा है। चाहे सब्सक्राइबर इसके कम है, लेकिन ना हमें कोई भी अच्छे काम के लिए ना किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, तो इस चैनल को आप देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के प्रमुख तकनीकी शोध संस्थान, राज्य के प्रमुख तकनीकी शोध संस्थान। और बच्चों, वो सारे के सारे है ना शोध संस्थान में लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। जैसे एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा। तो ये संस्थान कहाँ पर रहेगा बच्चों, करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, ज़्यादातर ये अनुसंधान कहाँ पर रहते हैं बच्चों, करनाल में है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि कब बना था, 1955 में बना था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। और कब बना था बच्चों, 1955 में बना था। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कब बना था, 1955 में बना था। कौन सा रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। और कब बना था, 1955 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों, डेयरी की बात होती है तो दुग्ध की बात आती है, तो दूध है ना, हरियाणा की दुग्ध सिटी या मिल्क सिटी कौन सी रहेगी, तो हरियाणा की मिल्क सिटी है ना बच्चों वो रहेगी जींद रहेगी। कौन सी रहेगी, जींद रहेगी। और जींद को मिल्क सिटी किस भैंस के कारण कहा जाता है, मूरा भैंस के कारण कहा जाता है। और मैंने लास्ट करंट अफेयर की वीडियो में बताई थी, हरियाणा की एक मूरा भैंस है सरस्वती, मूरा भैंस, उसने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दूध देकर। तो मूरा भैंस को ना हरियाणा में क्या कहा जाता है, काला सोना। तो काले सोने से भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, काला सोना है ना हरियाणा वाले तो किसको बोलते हैं, मूरा भैंस को बोलते हैं। अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूँ ना, ये भी क्वेश्चन आया था, पुर्तगाली लोग काला सोना किसको बोलते हैं, तो वो है ना काली मिर्च को पुर्तगाली लोग क्या बोलते हैं, काला सोना। क्योंकि 1498 में बच्चों जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो यहाँ से ना वो ब्लैक पेपर या काली मिर्च ले गया था, और उसको ना 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो पुर्तगाली लोग काला सोना काली मिर्च को बोलते हैं। और एक बार NCERT ने पूछा था, NCERT है ना काला सोना पेट्रोलियम को मानती है, स्टेट के एक एग्ज़ाम में आया था, काला सोना किसे कहा जाता है, तो NCERT काला सोना बच्चों पेट्रोलियम को मानती है। और इकोनॉमिक्स है ना, वो काला सोना है ना, इकोनॉमिक्स काला सोना है ना, तो ये किसको मानती है, कोयले को मानती है। तो NCERT वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, NCERT काला सोना किसे मानती है, पेट्रोलियम को मानती है। एक बार पूछा गया था बच्चों कि गेहूँ अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, करनाल में, 1978 में बना। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा बच्चों, करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। 1978 में बना था। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा,
करनाल में रहेगा, क्योंकि बच्चों ये भी पूछा जाता है हरियाणा में गेहूं सबसे ज़्यादा काम पर होती है, सिरसा में होती है। हरियाणा है ना भारत के, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ ना, तो हरियाणा भारत के 1.34 क्षेत्रफल% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, लेकिन हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूँ देता है बच्चों? हरियाणा भारत के क्षेत्रफल के 1.34% एरिया पर फैला हुआ है, हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूँ देता है? 12%। इसीलिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है बच्चों? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? उत्पादन ज़्यादा और खपत कम होने के कारण हरियाणा को भारत की क्या बोला जाता है? गेहूं की टोकरी बोला जाता है। एक बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया था, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? करनाल में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। ये 1969 में बना था, 1969 में बना था केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। ये बच्चों सन भी याद रखने हैं, कब बना था केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, कब बना था? 1969 में बना था। कहाँ पर रहेगा? करनाल। ये बच्चों मिट्टी की जांच के लिए बना है, कि मिट्टी ये है ना, मिट्टी में कोई कमी तो नहीं रह गई, उसकी जांच करता है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। उसकी क्या करता है? जांच करता है। जैसे है ना, हम है ना आए साल जैसे गेहूं बो दी और हम है ना इतने यूरिया डाल दी, इतनी हमने डीएपी भी दी, बीज दी, लेकिन बच्चों हम है ना मिट्टी की जांच नहीं करवाते। तो मिट्टी की ना हमें प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, अगर हमें अच्छा उत्पादन चाहिए ना, तो हमें मिट्टी की प्रॉपर जांच की जरूरी है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में है, और ये किसकी जाँच करता है? मिट्टी कब बना? 1969 में बना। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है ये पुलिस के एग्जाम के लिए ना, जो आपका, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पुलिस का एग्ज़ाम है ना फरवरी महीने में कभी भी हो सकता है, तो तैयारी बच्चों आज से ही शुरू कर दो। और हमने दुरीना ऐप पर ना इसका कोर्स है ना वो लगभग बच्चों कंप्लीट कर दिया है। उसमें ना आपको बस 5-7 वीडियो हरियाणा जीके की रहती है, और मतलब NCERT बेस पर मिडवल और मॉडर्न कम्प्लीट हो गया है। पोलिटिकल साइंस जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है। वहाँ पर मेन हम है ना इकोनॉमिक्स के, जो हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री और जो आपकी ज्योग्राफी है वो वहां पर कंप्लीट जल्द से जल्द ना करना है, तो वहां पर एक बार आप विजिट कर लेना। दुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे विजिट करके वो कोर्स आप देख सकते हो। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। कब बना? 1969 में रहे। और एक डेयरी परिसंघ से भी क्वेश्चन आया था, हरियाणा डेयरी परिसंघ कब बना था? हरियाणा डेयरी परिसंघ, हरियाणा डेयरी परिसंघ, तो हरियाणा डेयरी परिसंघ कब बना था? 1970 में बना था। तो कईयों के ना ये सन भी बच्चों आपको याद रखने हैं। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र इंसार में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्रीय क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। यही क्वेश्चन आया था। यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, ये कब बना था? 1985 में ये क्वेश्चन आया था, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1985 में बना था। एक है बच्चों असव अनुसंधान केंद्र, असव अनुसंधान केंद्र, तो असव अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और ये बच्चों 1986 में बना था, 1986 में। दोनों याद रखने हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 1985 में इंसार में रहेगा। और ये असव अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1986 में इंसार में रहेगा। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी, अनुवंशिकी संस्थान, ये कहाँ पर रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। 1984 में बना। कहाँ पर रहेगा?
करनाल में रहेगा। ये याद कर लेना बच्चों, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, इसमें पशु अनुवांशिकी की जगह ना HSC ने एक गेम खेला और बच्चे गलत कर दिए और उसने पूछ दिया राष्ट्रीय जंतु पूछ लिया, तो राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान भी कहाँ पर रहेगा, करनाल में। तो एक ही बात है, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। कब बना था, 1984 में बना था। और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुवांशिकी ब्यूरो कहाँ पर रहेगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कहाँ पर रहेगा, तो ये भी कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। इतना याद कर लेना, ये 1985 में। थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट देता हूँ बच्चों, संस्थान आए तो 84 में बना और ब्यूरो आए तो 85 में, रहेगा दोनों करनाल में। संस्थान आए तो 1984 में बना और ब्यूरो आए तो 1985 में बना, दोनों कहाँ पर रहेंगे, करनाल में रहेंगे। एक बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद में, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान ये कहाँ पर रहेगा, शोध संस्थान कहाँ पर रहेगा बच्चों, फरीदाबाद में रहेगा। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। 1988 में बना, ये याद कर लेना। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट यानी पेस्ट मैनेजमेंट पर ये बातें बताता है, कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में। 1988 में बना था। एक बार आया था राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान मानेसर गुरुग्राम में, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पर रहेगा बच्चों, मानेसर गुरुग्राम में, नैनवाल मानेसर गुरुग्राम इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा, मानेसर गुरुग्राम में रहेगा, इम्पोर्टेंट है बच्चों, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉपर है ना, यहाँ से ये एक क्वेश्चन क्या बना था, यहाँ से ना पूछा गया था कि राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान है ना, ये कब बना था, 1997 में बना था। कब बना था, 1997 में। कहाँ पर रहेगा बच्चों, मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। और यहाँ से बच्चों आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक IIM का सुना हैगा, रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक 2009 में बना। IIM में कहाँ पर रहेगा रोहतक, ये फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, IIM कहाँ पर रहेगा, रोहतक। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। और कब बना था ये, 2009 में। और आपको बताया राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है, कुंडली सोनीपत में 2005 में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, एजुकेशन सिटी है ना आपकी कहाँ पर रहेगी, सोनीपत में रहेगी 2005 में। इतना याद कर लेना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत में रहेगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई ना, सबसे ज़्यादा आप कॉमेंट करके बताओ, कहीं वीडियो में कोई कमी नहीं है। जब तक आप कॉमेंट नहीं करते ना बच्चों, तब तक हमें पता नहीं चल पाता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।